हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू? एंड वी हैव फिनिश्ड टू चैप्टर्स। हाउ यू आर फीलिंग? यस्टरडे आई गॉट सो मेनी कमेंट्स दैट द वीडियोज आर टू लॉन्ग, सो जस्ट आई विल जस्ट करेक्ट इट आउट, आई विल इम्प्रूव इट। नाउ यू विल नॉट हैव दोज लॉन्ग वीडियोज। आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू शॉर्ट वीडियोज, नॉट वेरी लॉन्ग वीडियो। Now I will be covering a very few topics, okay, so that you can revise well and you can go well, okay. Don't worry about it. If you are having any problem, any doubt, then please write down in the comment box. In the next video, definitely you will get the improvement. Actually, what I was thinking, that whenever the one topic is connected with the another, that's why I was not supposed to leave. Otherwise, in one go teaching 50 minute and 55 minute or 59 minute, then it is difficult for me too. But when I start teaching, then I am very much interested in teaching and passionate. Teaching is my passion. That's why when I start teaching, I don't see the time too. मैं time भी नहीं देखता, ठीक है? तो let's start the session. Today I will discuss only few topics with you for the next chapter. As I told you in the first unit, in the reproduction in organism, in the reproduction there are four chapters. So first chapter we finished, reproduction in organisms. Second chapter we also finished, that is sexual reproduction in angiosperms. And shortly you will get the assignment or the questions from the NCERT, okay, in the next session. Clear? Now we are going to start the next lesson, that is human reproduction. Before starting that lesson, as usual, we will start our topics with a very motivational quote. See, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आपको कामयाब होना है तो आप दूसरे का वेट मत करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में बात करते होंगे, आज तो मैंने क्लास ही नहीं ले पाई सर, की वीडियो बहुत लंबी थी। तो आपने कहा, हाँ यार, वीडियो तो बहुत लंबी थी, हम भी नहीं लेंगे यार, हम भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपने भी अपने आप को उसी के पीछे घसीट लिया, आपने भी उसी के पीछे अपने आप को भी रख लिया। तो आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट न रहिए। दूसरा क्या सोचता है, दूसरा क्या कर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है? आप अपने आप से इस मतलब मैटर में आप अपने आप पर डिपेंडेंट रहिए कि आपकी क्या कैलिबर है, आपका मन क्या करता है। आपका मन कह रहा है ना कि हाँ यार, पढ़ते हैं सर, भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई आपको पुश नहीं करेगा। आप घर पे बैठे रहते हो, पता लगा मम्मी पापा आते हैं, कहते पढ़ो, ठीक है, तब आप पढ़ने लगते हो, खुद से नहीं पढ़ते। तो आपको कब तक कोई भी पुश करेगा, ठीक है? आप बड़े हो गए हो, यू आर इन क्लास 12th, आपको खुद जो है अपना वेलफेयर समझना चाहिए कि आपका अच्छा किस में है। और लोग देखो, लोग का क्या है, लोग तभी पीछे आते हैं जब आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है? तो इस बात को अपने मन में बिठा लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि हमें बहुत आगे बढ़ना है और हमें खुद आगे बढ़ना है, किसी का वेट नहीं करना है, ठीक है? विद दिस मोटिवेशनल कोट, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है? इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सी, आई एम जस्ट यू आर हैविंग वन सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ द ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में एक सिंपल लाइफ साइकिल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। अब इस लाइफ साइकिल में क्या है, तुम्हें पता है, देर इज़ ए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। देखो, जहाँ पे भी डाई वर्ड आ जाए उसका मतलब ही होता है दो से, ठीक है, अलग अलग। और जहाँ पे भी मॉर्फो या मॉर्फिज्म इस तरह का कोई टर्म आ जाए, जैसे आपने 11th में पढ़ रखा है मॉर्फोलॉजी, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी? एक्सटर्नल अपीयरेंस, मींस बाई इफ यू सी एनी पर्सन यू कैन आइडेंटिफाई द पर्सन इज मेल और फीमेल। वो पर्सन मेल है कि फीमेल है, ठीक है, वो ह्यूमन जो है वो मेल है कि फीमेल है, आप देखने से ही पहचान कर सकते हो। तो दैट इज़ नोन एज व्हाट? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो जो ह्यूमन है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, और जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है? अब इन दिस फिगर मेल एंड फीमेल दे प्रोड्यूस गैमीट, ठीक है, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेटोजेनेसिस के पहले फर्टिलाइजेशन की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या, बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एम्ब्रियो फॉर्म होगा, एम्ब्रियो से बेबी बनेगा। और इस बेबी से ले के और यहाँ तक पहुँचने में, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने तक, आपको पता है इसी फेज़ को हम क्या बुलाते हैं? जुवेनाइल फेज़ बुलाते हैं। इसी फेज़ को हम क्या बुलाते हैं? जुवेनाइल फेज़। सब लोग को याद आ गया होगा, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है।
जुवेनाइल फेज, ठीक है। जुवेनाइल फेज के बाद एज द जुवेनाइल फेज स्टॉप, जैसे जुवेनाइल फेज ख़त्म होती है, कंप्लीट होती है, द पर्सन ट्रांसफॉर्म इनटू द नेक्स्ट स्टेज, मतलब वो दूसरे स्टेज में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। दैट स्टेज इज़ नोन एज व्हाट, रिप्रोडक्टिव स्टेज, उसी स्टेज को हम रिप्रोडक्टिव स्टेज बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ अनदर स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब हो गया नाउ द पर्सन विल हैव द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, अब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आने लगेगी, एंड इट विल आल्सो मार्केबल, ये भी मार्केबल होगा, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और पर्सन खुद अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि द पर्सन नाउ एंटरिंग इन द रिप्रोडक्टिव स्टेज, अब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर कर रखा है। इसी को टेक्निकली यहाँ पे प्यूबर्टी बुलाते हैं, प्यूबर्टी, कि व्हेन द सेक्सुअल एनी पर्सन अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब उसके अंदर आ जाती है, जिस एज में भी आ जाती है, जैसे अगर मेल में देखें तो लगभग 13-14 ईयर में आने लगती है, फीमेल में देखें तो 12-13 ईयर में आने लगती है, बट दैट डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 एज में, मेल में, और 12 से लेके 13 तक फीमेल में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी स्टेज को हम क्या बुलाते हैं, प्यूबर्टी बुलाते हैं, ठीक है। और प्यूबर्टी में तुम्हें पता है एडोलेसेंस स्टेज होती है, जिसमें बहुत सारे हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो तीन स्टेजेस हैं लाइफ में, जुवेनाइल, प्यूबर्टी, देन सेनेसेंस, एक्चुअली मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहाँ पे ह्यूमन के केस में, कि जो फीमेल होती है दैट स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट आफ्टर अ सर्टेन एज, सर्टेन एज के बाद जो है 50 से 55 ईयर के बाद द फीमेल इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस द गैमीट, बट द मेल रिप्रोड्यूस द गैमीट थ्रू आउट द लाइफ, जो मेल है वो गैमीट को थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस करता है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 90 ईयर या 80 ईयर की जो कपल ने, उन्होंने बेबी को बर्थ दिया, ठीक है, आपने ऐसे बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी है कि 80 ईयर के हैं कपल, तब और उन्होंने तब बेबी प्रोड्यूस किया, तो ये कैसे पॉसिबल है, एवरीथिंग आई विल सॉल्व, ये जितने भी क्वेरीज हैं, ठीक है, वो मैं सॉल्व ज़रूर करूँगा। वैसे अभी आपकी क्वेरी नहीं है, मैंने आपको बताया ना, आई टीच यू एज अ स्टूडेंट, मैं आपको एज अ टीचर नहीं पढ़ाता, एज अ स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने आप को ही बिठा लेता हूँ, मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में भी, किसी एक के दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस आने चाहिए, क्वेश्चंस आना बहुत अच्छी बात है, जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, ठीक है। फालतू के क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस आएँ तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। लेट्स सी, इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्चुअली व्हेन द ह्यूमन जस्ट अंडर गो इन द प्यूबर्टी पीरियड, जब वो प्यूबर्टी पीरियड में एंटर करता है तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर हम मेल में देखें तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, चेंजेस क्या आते हैं, हेयर्स अपीयर होने लगते हैं आर्मपिट्स पे, जेनाइटल ऑर्गन्स पे, इंटरनल ऑर्गन्स पे हेयर्स आने लगते हैं, फेशियल हेयर भी आने लगते हैं, ठीक है, बियर्ड, मुस्टैक, इनका भी अपीयरेंस होने लगता है। फिर उसकी जो वॉइस है, मेल के केस में जो वॉइस होती है वो लो पिच वॉइस होने लगती है, ठीक है, उसके शोल्डर थोड़ा थोड़ा ब्रॉड होने लगते हैं, पेनिस में इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो दीज आर द चेंजेस टेक प्लेस व्हेन अ मेल एंटर इन द रिप्रोडक्टिव एज, जब वो रिप्रोडक्टिव एज में एंटर कर होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सेक्स ऑर्गन की वजह से हो रहा है, यू नो दैट इन द मेल एंड फीमेल द डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, उन्हीं सेक्स ऑर्गन्स को हम गोनैड्स बोलते हैं। जैसे अगर टेस्टिस है तो टेस्टिस क्या है, गोनैड है, ओवरी क्या है, गोनैड है, ठीक है, तो गोनैड मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस इन द मेल, और दीज आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, इट विल आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दे विल प्रोड्यूस द हार्मोन्स एंड दे विल प्रोड्यूस द गैमीट। नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फैसिलिटेट करेंगे रिप्रोडक्शन में, डायरेक्टली कोई उनका रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली तो गैमीट का पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन उसको फैसिलिटेट करेंगे। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, वास डिफरेंस है, मतलब दीज आर द डक्ट्स, ये डक्ट्स हैं जो स्पर्म को कैरी करेंगे, ग्लैंड हैं जो उस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे, मीडियम प्रोवाइड कराएंगे, और जो एपिडाइडिमिस है, पेनिस है, ये सब ऐसे ऑर्गन हैं जो
इजेकुलेशन में, जो गैमीट को ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डायरेक्टली ऐसा कोई रिप्रोडक्शन में नहीं है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर वहीं पे एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। एसेसरी सेक्स ऑर्गन मतलब कैरेक्टर्स, सॉरी ये ऑर्गन नहीं है, ये कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स में आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई मेल है तो उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होते हैं जब वो रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है यही बताते हैं कि उसके अंदर अब चेंजेस होने लगे हैं, मतलब वो जुवेनाइल से किस एज में आ गया है, प्यूबर्टी में आ गया है, ठीक है, और उसके अंदर रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो गई है। क्लियर। सेम एज़ विद द फीमेल, फीमेल में भी यही है कि फीमेल, इन द फीमेल द ओवरी इज प्रेजेंट, ओवरी सेक्रेट हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, उसके बाद दैट आल्सो प्रोड्यूस द गैमीट, गैमीट का प्रोडक्शन भी ओवरी में ही होता है। नाउ द गैमीट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब, देन यूट्रस प्रोवाइड द साइट फॉर द इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, देन वेजाइना इट प्रोवाइड द पैसेज फॉर द एजेकुलेशन, ये एजेकुलेशन के लिए क्या प्रोवाइड कराता है, पैसेज प्रोवाइड कराता है। मेमरी ग्लैंड प्रोवाइड द मिल्क, वो मिल्क प्रोवाइड कराते हैं टू द बेबीज, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी मतलब जो एसेसरी कैरेक्टर्स हैं, एसेसरी कैरेक्टर्स मतलब जो उसके साथ साथ जो डेवलप हो रहे हैं, और वो डेवलप क्यों हो रहे हैं, इन्हीं हारमोन्स की वजह से डेवलप हो रहे हैं, जो हार्मोन टेस्टिस और ओवरी प्रोड्यूस कर रही है उन्हीं हार्मोन्स की वजह से ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। हाई पिच वॉइस हो जाती है, हाई पिच वॉइस का मतलब होता है कि वॉइस जो है वो लाइट रहती है फीमेल में, स्मूथ फेस, फेस पे स्मूथ रहता है, वहाँ पे कोई ऐसा हेयर वगैरह अपीयर नहीं होते, नैरो शोल्डर होता है, ब्रॉड हिप्स होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो दीज आर व्हाट, एक्सेसरी और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर, एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर हैं ये सब, ठीक है। तो इस तरह से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आपको ये पता लग गया कि मेल और फीमेल में कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है तो हम मेल और फीमेल को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। सी द इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, देर आर सो मेनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। इन दोज पार्ट ओनली वन मेल पार्ट इज देयर, सबसे जो मेन पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज स्क्रोटम एंड टेस्टिस। स्क्रोटम क्या है, ठीक है, एक्चुअली द टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, आउट एक्स्ट्रा एबडोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है, इट इज़ नॉट लोकेटेड इन साइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, इट इज़ हैंगिंग आउटसाइड द बॉडी इन अ स्किन पाउच स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज़ नोन एज स्क्रोटम। ये स्क्रोटम दिख रहा है आपको, स्क्रोटम, स्क्रोटम प्रोवाइड द साइड, स्क्रोटम ये एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्किन पाउच स्ट्रक्चर है, जिसमें टेस्टिस लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। स्क्रोटम का क्या और फंक्शन है, दैट वी विल डिस्कस लेटर, अभी मैं आपको केवल एक एक पार्ट बता दूँ थोड़ा थोड़ा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो स्क्रॉटम पता लग गया, स्क्रॉटम एक क्या है, स्किन पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें टेस्टिस डिसेंट होता है, मतलब उसी में डिसेंडेंट होता है, उसी में हैंग होता है, उसी में सिचुएटेड होता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, टेस्टिस, देर आर टू टेस्टिस। अगर आप देखो, एक स्पेलिंग से ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, अगर इस स्पेलिंग को देखो और इस स्पेलिंग को देखो, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे TESTES लिखा है और यहाँ पे TESTIS लिखा है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू इंडिकेट ओनली वन टेस्टिस, अगर आप, क्योंकि द मेल हैज़ टू टेस्टिस, मेल के पास दो टेस्टिस होती हैं, दोनों टेस्टिस को अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो यू विल राइट डाउन TESTES, अगर एक टेस्टिस को केवल एड्रेस कर रहे हो, एक टेस्टिस को केवल पढ़ रहे हो, तो उसको लिखोगे TESTIS। तो TESTIS सिंगुलर है और TESTES जो है वो क्या है, प्लूरल है, ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, देन यू नो दैट टेस्टिस प्रोड्यूस हार्मोन्स एज वेल एज द स्पर्म। नाउ स्पर्म इज, क्योंकि द टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी ना, अब वो टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर है, ठीक है, अब वो बॉडी के बाहर है तो वो स्पर्म का प्रोडक्शन जब करेगी, तो प्रोडक्शन जो स्पर्म का करेगी, दैट विल बी कैरीड बाई द डक्ट्स, जो डक्ट्स उसमें लगी होंगी, जो अभी आपने एसेसरी डक्ट्स पढ़ा था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़ा था, उसमें डक्ट्स भी थी, इपीडिडाइडिमिस है, वास इफरेंश है, ठीक है, रिटेटेस्टिस है, ये सब अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, और वास डिफरेंस है, जो सबसे लंबी, जो सबसे लॉन्ग डक्ट होती है, दैट इज़ नोन एज वास डिफरेंस, देख रहे होगे यहाँ पे, ये वास डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। वास डिफरेंस क्या कैरी कर रही है, स्पर्म को कैरी कर रही है, क्लियर है। उसके बाद दो ग्लैंड हैं, एक सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये दोनों ग्लैंड मिल के, ये सॉरी गलत लेबल हो गया, सेमिनल वेसिकल, ये
दो होती हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, फिर काउपर्स ग्लैंड होती है जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तीन ग्लैंड एसोसिएटेड होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। इन तीनों ग्लैंड का अलग अलग रोल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डक्ट हो जाती है दैट इज़ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा हो जाती है, यूरेथ्रा जो है दैट कैरी यूरिन एज वेल एज द सीमन दैट कंटेन स्पर्म, मतलब स्पर्म को भी कैरी करती है और किसको कैरी करती है, यूरिन को। कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से। एंड द पेनिस इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बॉडी के बाहर जो ऑर्गन जा रहा है, ठीक है, जो इजेकुलेशन में हेल्प करेगा, उसी ऑर्गन को हम क्या बुलाते हैं, पेनिस। पेनिस इज़ अ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, जेनाइटेलिया मतलब जेनाइटल ऑर्गन, तो जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का नाम क्या है, दैट इज़ पेनिस इन द मेल, ठीक है, क्लियर है। तो ये पार्ट हो गए किसके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। नाउ विल स्टडी ईच एंड एवरी पार्ट, अब हम हर एक पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द स्क्रोटम, सबसे पहले स्क्रोटम पढ़ते हैं, स्क्रोटम क्या होता है, ठीक है। आई टोल्ड यू देर इज ए स्किन, मतलब ये स्किन ही होती है, स्किन होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पाउच की तरह होता है, ठीक है। एंड इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, और ये बॉडी के बाहर होता है। अब ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है इस तरह से, ठीक है, और एक टेस्टिस यहाँ होती है, एक टेस्टिस यहाँ होती है, मतलब ये स्क्रॉटम हो गया, ये दोनों, मतलब ये पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, स्क्रोटम बुलाते हैं। और ये दो, मतलब दो पार्ट है ना, स्क्रोटम के दो पार्ट हो गए, दोनों पार्ट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक टिश्यू से जिसका नाम है सेप्टा। याद रखना, कहीं पे भी अगर दो चैम्बर को, दो पार्ट को अगर सेपरेट कर रहा है तो उस टिश्यू का नाम क्या होता है। तो इस तरह से स्क्रोटम हो गया, स्क्रोटम में दो पार्ट हो गए, मतलब दो चैम्बर हो गए, और दोनों चैम्बर किससे सेपरेटेड होते हैं, सेप्टा से, ठीक है। इसीलिए हर एक चैम्बर में एक टेस्टिस लोकेटेड होता है। तो स्क्रोटम में जो दो टेस्टिस हैं, जो दोनों टेस्टिस हैं, TSTISM और TSTI, दो टेस्टिस जो हैं ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं विद द हेल्प ऑफ द सेप्टा, सेप्टा के हेल्प से दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, समझ में आया। तो दिस इज़ द रोल ऑफ द सेप्टा। तो स्किन जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम में एक्चुअली टेस्टिस पहले से ही नहीं डिसेंडेंट होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अगर टेस्टिस स्क्रोटम में लोकेटेड नहीं है तो जान लो वो पर्सन इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल मतलब क्या होता है, द पर्सन इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस द गैमीट, वो गैमीट प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम उसको क्या बुलाते हैं, इनफर्टाइल कपल बुलाते हैं, मतलब इनफर्टाइल मेल बुलाते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, समझ में आया। देखो एक स्टराइल होता है और एक इनफर्टाइल होता है। स्टराइल मतलब क्या होता है कि वो कर ही नहीं सकता, इनफर्टाइल मतलब क्या है, वो गैमीट का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, समझ में आया। तो इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि अगर टेस्टिस स्क्रोटम में लोकेटेड नहीं होगा तो, ठीक है। अब जब एम्ब्रियो का, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है, फीटल लाइफ में जब जायगोट से फीटस बनता है, तो जब फीटस का डेवलपमेंट होता है, फीटस का जब डेवलपमेंट बेबी में होता है, तो आपको पता है उसी पीरियड को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है, 9 मंथ का होता है ये, तो आपने सुना ही होगा कि 9 मंथ के अंदर जो वुमेन बेबी है वो डेवलप हो जाता है। उसी 9 मंथ में एक ऐसी भी स्टेज आती है कि जो टेस्टिस है सबसे पहले उस स्क्रोटम में नहीं लोकेटेड होता, वो सबसे पहले लुम्बर, आपने 11th में पढ़ रखा है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें एक लुम्बर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, जहाँ जिसके पास किडनी लोकेटेड होती है। किडनी के जस्ट पीछे कौन लोकेटेड होता है, टेस्टिस लोकेटेड होता है। फिर लगभग वही 5 से लेके 8 मंथ तक, मतलब जो फीटल की जो लाइफ है 9 मंथ की, उसी लाइफ में, उसी पीरियड में 5 या 6 मंथ से लेके 8 मंथ तक वो जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम सैक में डिसेंड हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ चला आता है, समझ में आया। पहले वो कहाँ था, किडनी के पीछे था, फिर डेवलपमेंटल स्टेज में, मतलब जो फीटल लाइफ में जो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसी लाइफ में, उसी पीरियड में जो टेस्टिस है वो डिसेंडेंट हो जाता है, मतलब कहाँ पे चला आता है, स्क्रोटम सैक में चला आता है। कुछ ऐसे बेबी प्रोड्यूस होते हैं जिनमें जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम सैक में डिसेंडेंट नहीं हो पाते, टेस्टिस तो हैं लेकिन वो स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट नहीं है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही टेस्टिस आ जाए, दो टेस्टिस होती है ना, एक ही टेस्टिस स्क्रोटम सैक में आ जाए, दूसरी नहीं आ पाती, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन, ये एक डिसेबिलिटी है,
ठीक है, वो पर्सन नॉर्मल नहीं रह गया, अब वो पर्सन क्या हो सकता है, इनफर्टाइल हो सकता है, समझ में आया। तो स्क्रॉटम सैक जो है वो एक क्या प्रोवाइड करा रहा है, सैक मतलब वो एक लोकेशन प्रोवाइड करा रहा है टेस्टिस को। और तुम्हें पता है हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एंड टेस्टिस रिक्वायर्ड 3 डिग्री लेस देन बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो टेस्टिस को 3 डिग्री कम चाहिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। हमेशा नॉर्मल लिखना, कभी भी आंसर लिखते टाइम केवल बॉडी टेम्परेचर ना लिख देना, क्योंकि फीवर के टाइम में तो 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वो तो फीवर वाला टेम्परेचर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या लिखना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो टेस्टिस रिक्वायर 3 डिग्री लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर टू प्रोड्यूस द स्पम, स्पम को प्रोड्यूस करने के लिए, समझ में आया। और वो जो टेम्परेचर है दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन साइड द बॉडी, वो बॉडी के अंदर नहीं प्रोवाइड की जा सकती। वो कहाँ पर प्रोवाइड होती है, वो स्क्रोटल सैक में होती है, स्क्रोटम में होती है, जो बॉडी के बाहर लोकेटेड है, समझ में आया। तो इस तरह से उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि टेस्टिस अगर डिसेंडेंट नहीं हुई, मतलब वो डिसेंड नहीं हुई स्क्रोटम में, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो बेबी होगा, जब वो बॉर्न होगा, तो वो इनफर्टाइल होगा, ठीक है। अब देखो मैंने स्क्रोटम के कई सारे फीचर लिख रखे हैं यहाँ पे, कि एक तो ये पिगमेंटेड स्किन होती है, 2 कंपार्टमेंट में होती है, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, आपको पता है आपने बोन पढ़ रखा है स्केलेटन सिस्टम में, प्यूबिक बोन पढ़ रखा है, उसी प्यूबिक बोन के नीचे ये जो स्क्रोटम होता है, जो टेस्टिस होती है, वो लोकेटेड होती है, ठीक है। टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया, टेम्परेचर होता है। फिर देखो मैंने ये भी बता दिया कि 8th मंथ ऑफ लाइफ तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए कि जो टेस्टिस है वो डिसेंड हो जाए किसमें, स्क्रोटम में। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये कंडीशन हो जाती है, इस टर्म को नोट कर लेना, ठीक है, कि ये टर्म इंपॉर्टेंट है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस, ठीक है। अगर एक टेस्टिस नहीं है, ठीक है, तो आप TES TIS लिखोगे, दोनों टेस्टिस अगर डिसेंडेंट नहीं हुई तो TES TES लिखोगे। इसी टर्म को बोलते हैं क्रिप्टोकैरिडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोकैरिडिज्म, ठीक है। क्रिप्टोकैरिडिज्म मतलब क्या हो गया, कि अनडिसेंडेंट टेस्टिस, अगर टेस्टिस डिसेंडेंट नहीं है, कहाँ नहीं डिसेंडेंट है, स्क्रोटम सैक में डिसेंडेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कास्ट करेगा, इनफर्टिलिटी कास्ट करेगा, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया कि स्क्रोटम क्या है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, टेस्टिस, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी बोथ द टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस के बारे में केवल डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए स्पेलिंग TES TES लिखा है। एक तो ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ठीक है, फर्स्ट फीचर इसका क्या है कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। नेक्स्ट क्या है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 4.5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है दैट इज 3 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। और आपको पता है ये सस्पेंडेड होती है इन द स्क्रोटम बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस जो जैसे आपने वेल है, वेल में आपने क्या डाल दिया, बाल्टी डाल दी, आपने एक बकेट डाल दी, ठीक है। अब बकेट को आप कैसे कनेक्शन रखते हो अपने से, अपने से आप कैसे कनेक्ट रखते हो, उसमें रोप बांध देते हो, रोप बांध देते हो, नहीं बांध देते हो, तो रोप से आपकी जो बाल्टी है वो कहाँ पे है, वेल में है। सेम एज ऐसे ही जान लो, रोप क्या है, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स हैं, ठीक है। आप गिटार सुने, आप गिटार जानते हो, तो गिटार में भी कॉर्ड्स लगी होती है ना, जो स्ट्रिंग लगी होती है उनको कॉर्ड बुलाते हैं, ठीक है। तो वो कॉर्ड से वो सस्पेंडेड है किसमें, स्क्रोटम में। तो वो जब स्पर्म प्रोड्यूस करेगा तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू जो स्पर्म है वो ऊपर की तरफ आएगा, मतलब वो बाहर की तरफ निकलेगा, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से दिस इज अबाउट द टेस्टिस। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिस का पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यहाँ तक आप प्लीज़ नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा, प्रीवियस चैप्टर एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है। आई एम ऑलवेज़ रेडी टू सॉल्व योर डाउट्स क्वेरी, ठीक है। और आप एकदम मतलब ये सोचिए कि एक बार सर ने पढ़ा दिया तो उसको रिवाइज़ नहीं कराएंगे, ठीक है। मैं रिवाइज़ भी, अगर आपने ये बोल दिया कि सर ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, और मैं उस टॉपिक को फिर से रिवाइज़ करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मुझे पढ़ाने में, आई जस्ट टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। लेकिन तब मज़ा आता है जब स्टूडेंट भी एक स्टेप मेरी तरफ लेते हैं, मतलब टूवर्ड्स फॉरवर्ड आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता जाऊँ तो आप जो है लेजीनेस, आप उस टाइम को किल करते जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको अपने आप ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब आप कामयाब हो जाओगे तो आपके पीछे लाइन लग जाएंगी। वो आपने एक डायलॉग सुना होगा ना कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाती है, हम लाइन में नहीं लगते। तो आपको वो सेंटेंस को करने के लिए आपको कामयाब होना पड़ेगा, सक्सेस होना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है। सो विद दिस मोटिवेशनल कोट आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और मैं आपको असाइनमेंट भी कल लगा दूंगा, आप वहाँ आप असाइनमेंट नोट भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो टिल देन स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, बी हेल्दी, ओके, और इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग करिए, खूब स्ट्रॉन्ग करिए, खूब पढ़िए, और काम भी थोड़ा करिए घर का, ठीक है, बस आइडियल मत बैठे रहिए, बस पढ़ते ही ना रहिए या केवल बैठे ही ना रहिए, थोड़ा बहुत काम घर का ज़रूर करना चाहिए, घर वालों से थोड़ा सा बातचीत, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जो टाइम कभी आएगा नहीं, ये टाइम ऐसा है जो हमारे हम अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो टिल देन स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।